हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं ओरियो कोल्ड कॉफ़ी की बहुत ही मज़ेदार सी लजीज सी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे घर बैठे कैफ़े वाली कॉफ़ी बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज अंसारी निशा रसोई। आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन ज़रूर याद से ऑन कर लेना, आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर हमने 5 रुपीज़ वाले 2 पैकेट रख लिए हैं, ये ओनली 5 रुपीज़ का एक पैकेट है। तो यहाँ पर 2 पैकेट ले लिए हैं और 3 पैकेट ले लिए हैं हमने कॉफ़ी के। तो 3 पैकेट है हमारे छोटे वाले और 2 पैकेट है हमारे ओरियो बिस्किट के। तो हमें क्या कर लेना है, इसके अंदर से पहले बिस्किट को अलग कर लेंगे पैकेट के अंदर से। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर ब्लैक चॉकलेट वाले भी आते हैं, लेकिन फेज़ ने मुझे ला के दिए हैं वाइट चॉकलेट के। लेकिन कोई इशू नहीं है, हम वाइट चॉकलेट जो हमारी है इसी के साथ डाल देंगे, हम इसके अंदर से चॉकलेट अलग नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी भी क्रीमी क्रीमी टेस्ट आ जाएगा हमारी कॉफ़ी के अंदर। अब यहाँ पर ले लिया मैंने 10 रुपीज़ की चॉकलेट, जो कि ओनली 10 रुपीज़ की है। तो कितने कम पैसों में बनकर तैयार होने वाली है आज हमारी कोल्ड कॉफ़ी। तो ये कोल्ड कॉफ़ी घर पर बनाएंगे, इसमें हल्का सा फ्लेवर दे रहे हैं चॉकलेट का। तो सिर्फ ओनली 10 रुपीज़ की ला के दिए फैज ने मुझे, चॉकलेट को इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही यहाँ पे 2 टेबल डाल देंगे चीनी। तो आप सोचोगे निशा यहाँ पर आप कितनी क्वांटिटी चीनी की ले रहे हैं, तो इसके कैसे पता चलेगा यहाँ पे कितने हमें गिलास बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 2 गिलास डालना है दूध, और जो हमने 3 पैकेट चॉकलेट के खोले हैं ना, सॉरी कॉफ़ी के खोले, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 3 पैकेट मैंने चॉकलेट के वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इन्हें खाली करने के बाद सीधा इसके अंदर हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया, मैंने बिस्किट क्रीम सेम ही डाल दी, क्रीम हमने अलग नहीं करी है। तो यहाँ पर 1 गिलास हमारा चला गया दूध का। तो कम से कम लगभग इसके अंदर हमें 3 गिलास बहुत आराम से मिल जाएंगे, बहुत आराम से 3 गिलास हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो 2 हमने पैकेट डाल दिए बिस्किट के, 3 हमने यहाँ पर अपनी कॉफ़ी डाल दी, और थोड़े से यहाँ पर चॉकलेट सिरप भी डाल देंगे। अब सोच रहे हो निशा बड़ी एकदम यहाँ पर चौन चौन सी आ रही है बहुत ज़्यादा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बाद में ध्यान देखा था कि इस पर बहुत ज़्यादा चौंध आई, तो मैंने बाद में कैमरे को ठीक करा था। और हमने इसको ब्लेंड कर लिया है बहुत अच्छे से, तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। जो हमने बिस्किट डाले थे ना, वो उसी का ये दूध दूध सा ऊपर आ गया है, उसी की क्रीम। लेकिन अब हम इसके अंदर आइसक्रीम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरी होममेड आइसक्रीम है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 3 भर भरकर आइसक्रीम ऐड कर दी है। आप यहाँ पर आइसक्रीम डाल देंगे ताकि बहुत पीने में बहुत ठंडी ठंडी लगे हमारी कोल्ड कॉफ़ी। तो कोल्ड कॉफ़ी का मतलब ये ठंडा करना। आप चाहे तो इसके अंदर अगर आइसक्रीम नहीं डालना चाहते आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर आइसक्रीम डाल के इसे ठंडा चिल कर लिया है। आप यहाँ पर लगा देंगे गिलास के ऊपर चॉकलेट सिरप, जिसे देखने में भी अच्छा लगेगा और पीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा। तो अब बस इसको कोटिंग कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे अपना जो हमने अपना बना लिया है, तैयार कर लिया है कोल्ड कॉफ़ी, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा गिलास को हमने पूरा कोट कर दिया। अब जा रही है इसके अंदर हमारी कोल्ड कॉफ़ी, और ये कोल्ड कॉफ़ी कह सकते हैं आप इसे। तो माशाल्लाह बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद आती है, सभी की फेवरेट भी होती है और ये कोल्ड कॉफ़ी। तो कैफ़े से ना पिए आप, घर में बनाएं, बहुत ईजी और सिंपल तरीके से बन जाती है, और वो भी कम से कम पैसों में बन जाती है। अब यहाँ पर ऊपर से भी मैं आइसक्रीम को इसको कोट कर रही हूँ अच्छे से, आइसक्रीम फिर से ऊपर से लगा देंगे और अच्छा सा टेस्ट आने के लिए। तो यहाँ मेरे 3 गिलास बन के तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैं 1 गिलास आपको बनाकर दिखा रही हूँ, बाकी और मैंने 2 बिस्किट बचा लिए थे ऊपर से इसको थोड़ा सा डेकोरेट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़ी सी इसको बिस्किट से और चॉकलेट से कर दी है गार्निश, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। थोड़ा सा चॉकलेट सिरप भी इसके ऊपर लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, देखने में बिल्कुल कैफ़े जैसा स्टाइल आएगा, कैफ़े जैसा एकदम लुक आएगा, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने बाज़ार से ऑर्डर करके मंगाई है। तो माशाल्लाह कितने कम पैसों में घर में बना ली हमने ओरियो कोल्ड कॉफ़ी। तो बच्चे बड़े से सभी पसंद करते हैं, एक बार इसे आप भी ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी है, और माशाल्लाह ये पीने में भी बहुत ज़्यादा लजीज है। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें, जुड़े रहें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, दुआओं में ज़रूर याद